आज की क्लास में हम कंप्लीट एक्सेल सीखेंगे। आज किसी भी फील्ड में हम देखें तो एक्सेल काफी यूजफुल है। कोई भी हमें किसी भी टाइप से कोई डेटा एंट्री करनी हो, कोई रिकॉर्ड तैयार करना हो तो हम कर सकते हैं। स्कूल का रिकॉर्ड तैयार करना हो, स्टूडेंट्स का अलग अलग तरह से रिकॉर्ड तैयार करना हो, टीचर्स का रिकॉर्ड तैयार करना हो, या फिर हमें कोई एक्सेल में कोई चार्ट क्रिएट करना हो, या हमें सैलरी स्लिप बनानी हो, या हमें कोई बिल बनाना हो, तो इन सभी चीज के लिए हमारे पास जो है वो एक्सेल परफेक्ट सॉफ्टवेयर कहलाता है। हम हर काम एक्सेल में बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सेल कंप्लीट सीरीज हमने 3 स्टेप में बनाई है, बेसिक एक्सेल, एडवांस एक्सेल और इंडस्ट्रियल एक्सेल। यदि ये तीनों लेवल के वीडियो आप देख लेते हैं तो आप एक्सेल के मास्टर बन जाते हैं। यदि आप एक्सेल के ज्यादा जानकार नहीं हैं तो आपको सबसे पहले एक्सेल बेसिक के वीडियो देखने होंगे, और यदि आप थोड़े बहुत जानकार हैं और आपको थोड़ा एक्सेल का ज्ञान है तो आप एडवांस एक्सेल देख सकते हैं, और यदि आप एक्सेल के काफी अच्छे ज्ञाता हैं तो आप हमारा इंडस्ट्रियल एक्सेल का वीडियो जरूर देखें। हमारी राय आपको यह रहेगी कि आप एक्सेल के जानकार हैं तो भी पहले आप बेसिक के वीडियो जरूर देखें, क्योंकि प्रैक्टिकली वर्क करने के लिए एक्सेल बेसिक काफी जरूरी होता है। एक्सेल का यूज इंडस्ट्रियल लेवल पर बहुत ज्यादा हो गया है। यदि हमें एडवांस एक्सेल आता है या एक्सेल में बहुत अच्छी पकड़ है तो अच्छी जॉब मिल जाती है। जॉब की अगर हम बात करें तो मार्केट में सबसे ज्यादा जॉब या डिमांड टैली और एक्सेल की रहती है। पूरी तरह से सीखने के बाद सर्टिफिकेट जरूर होती है, तो अनिल कंप्यूटर्स ने फ्री सर्टिफिकेट की स्कीम भी निकाली है। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिनके स्टेप को फॉलो करके आप फ्री सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। आप बीच में किसी भी वीडियो को स्कीप ना करें, क्योंकि अगर आपने कोई चीज स्कीप कर दी तो आपको वो चीज अच्छे से समझ नहीं आएगी। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और पसंद आने पर उसको लाइक जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, या आपकी अपनी कोई राय है तो आप जरूर बताएं, और अपने ऐसे साथियों को ये वीडियो देखने के लिए जरूर उत्साहित करें जिनके लिए फायदेमंद हो सकता है। सबसे पहले एमएस एक्सेल स्टार्ट करने का जो तरीका है वो है, आप स्टार्ट मेनू पर क्लिक करें और ऑल प्रोग्राम्स में जाएं। यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक फोल्डर दिखाई देगा, इसको ओपन करें, क्योंकि हमारा एमएस एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक पार्ट है। इसको हमने स्टार्ट किया तो यहाँ पे आपको मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010। आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो एक शॉर्ट कमांड है एमएस एक्सेल को स्टार्ट करने की, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। कीबोर्ड से विंडो की प्रेस करके आर को प्रेस करते हैं तो एक रन बॉक्स ओपन होता है। इस रन बॉक्स में आपको लिखना है EXCEL, एक्सेल का केवल एक्सेल ही लिखेंगे, एमएस एक्सेल नहीं लिखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नहीं लिखेंगे, केवल एक्सेल लिखेंगे और एंटर करेंगे या फिर ओके कर देंगे तो आपका एक्सेल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। देखिए, एक्सेल स्टार्ट करने के बाद ये जो विंडो आपके सामने खुली हुई होती है तो इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं एक बार। सबसे ऊपर ही ऊपर जो दे रखा है आपको, जो रेड लाइन दिखाई जा रही है, ये कहलाता है आपका टाइटल बार, और इसी टाइटल बार के आपको सेंटर में जो दिखाया जा रहा है यानी बुक वन का मतलब है कि हमारी जो वर्कशीट, जो हमारी जो फाइल है, जो हमारी एक्सेल की जो फाइल है, जो हम फाइलें बनाते हैं, वो सारी फाइलें वर्कबुक कहलाती है। यानी एक्सेल में आप कोई भी फाइल जब बनाते हैं तो वो वर्कबुक कहलाती है, और बुक वन इसलिए दिखाया गया है क्योंकि हमने एक ही वर्कबुक अभी ओपन की है तो बुक वन है। नेक्स्ट हम और भी कोई ओपन करेंगे तो यहाँ पे बुक टू दिखाया जाएगा। ये बुक वन तब तक दिखाई देगा जब तक आप इस फाइल को सेव नहीं कर देते। जब आप इस फाइल को सेव कर देंगे, जब इस वर्कबुक को सेव कर दी जाएगी, तो जिस नाम से आप सेव करेंगे उसी नाम से ये पहचानी जाएगी, और जब तक आप सेव नहीं करते हैं तब तक ये बुक वन नाम से ही दिखेगी। तो ये तो हुआ हमारा ऊपर टाइटल बार। इसमें आपको लेफ्ट साइड में ये क्विक एक्सेस टूल बार का ऑप्शन भी दिया गया है। इसमें कई सारे ऑप्शन अप्लाई किए गए हैं, अगर आप डायरेक्टली नई फाइल खोलना चाहें, अपनी फाइल को सेव करना चाहें, अंडू रीडू को यूज करना चाहें, तो सारे आइकन यहाँ पे सेट किए हुए हैं। और भी अगर आप सेट करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को ओपन करेंगे तो यहाँ पे सारे ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं ये,
और जो आपको यहाँ पे अप्लाई किए हुए दिख रहे हैं, यानी ये यहाँ पे दिए गए हैं नई फाइल खोलने के लिए, सेव का, अनडू, रीडू का, या ओपन का भी देना चाहे तो यहीं पे ओपन का, तो कोई भी फाइल ओपन करनी है एक्सेल की तो डायरेक्टली यहीं से ओपन कर लेंगे। तो ये क्विक एक्सेस टूल बार है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में अपनी ही फाइल को मिनिमाइज करना है, उसको क्लोज करना है तो ये आइकन दिए गए हैं। उसके बाद नीचे दे रखे हैं फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये सारे अलग अलग जो है मेनू बार्स हैं, और हर एक मेनू बार के नीचे जो ऑप्शंस जो दिखाए जा रहे हैं ये कहलाता है आपका पूरा रिबन। इसमें अलग अलग छोटे छोटे ब्लॉक्स बने हुए होते हैं, जैसे क्लिपबोर्ड का है, होम मेनू का, जो आप जब रिबन देखते हैं या उसके जो ऑप्शंस देखते हैं वो अलग अलग ब्लॉक्स के रूप में है, जैसे क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट है, अलाइनमेंट का है, नंबर है, वैसे इंसर्ट में भी आपको दिखेगा ये सारे। तो ये जहाँ पे ऑप्शन खुलते हैं, जब भी हम किसी मेनू बार पे क्लिक करते हैं तो जो ऑप्शन यहाँ पे दिखाए जाते हैं वो खुलते हैं रिबन पे। ये रिबन है आपका, कई बार आपको रिबन हाइड करना है, शो करना है, तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं इस वाले ऑप्शन पे, तो ये देखिए रिबन हाइड हो जाता है, वापस उसी को क्लिक करते हैं तो रिबन शो हो जाता है। या फिर दूसरा तरीका है, यहाँ पे इस स्पेस पे टॉप पे अपना राइट क्लिक करें और यहाँ से भी हम कर सकते हैं इस रिबन के ऊपर मिनिमाइज द रिबन कर देंगे तो ये रिबन मिनिमाइज हो जाता है, वापस उसी को क्लिक करते हैं तो वापस वो शो हो जाता है, या फिर ये आइकन जो दे रखा है उस पर हम जाके रिबन को हाइड या शो कर सकते हैं, या फिर कंट्रोल F1 भी कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे जो दे रखा है, देखिए एक बहुत बड़ी शीट होती है वर्कबुक के अंदर, जो पेजेस होते हैं वो शीट के रूप में होते हैं, इसमें पेजेस नहीं होते हैं, इसमें शीट्स होती हैं, जिसमें ये कुछ छोटे छोटे ब्लॉक्स आपको बने हुए दिखाई देते हैं। और शीट डिफॉल्ट रूप में तो 3 होती है, अगर आप और चाहें तो और इंसर्ट कर सकते हैं, जब भी आप एक्सेल की वर्कशीट स्टार्ट करेंगे तो 3 शीट आपको इसमें दिखाई देगी। इसके अलावा देखिए हम एक्सेल में क्या क्या काम कर सकते हैं, तो एक्सेल किस लिए यूज किया जाता है, तो एक्सेल में बैलेंस शीट बनाई जा सकती है, टोटल निकाले जा सकते हैं, बिल बनाए जा सकते हैं, मार्कशीट बनाई जा सकती है, सैलरी स्लिप बनाई जाती है, जिसमें हमें कोई भी टेबल वर्क जो करना है उसके लिए एक्सेल बहुत ही परफेक्ट सॉफ्टवेयर माना जाता है। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है उसको हम स्प्रेडशीट एप्लीकेशन भी कहते हैं, इसलिए इसमें हमारा जो काम है वो बहुत ही परफेक्टली हो सकता है। इसमें ये सारी ग्रिडलाइन बनी हुई है, इस ग्रिडलाइन में हमें अपना कोई भी वैल्यू वगैरह ऐड करके हमें अपना वर्क करना होता है, इसमें अलग से ये ग्रिडलाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है। एमएस वर्ड में जब हम कोई भी टेबल बनाते हैं तो उसमें ग्रिडलाइन बनानी पड़ती है, लेकिन एक्सेल में ये सारी ग्रिडलाइन आपके पास बनी हुई है। इन एक्सेल में आपके पास जो एक शीट दिखाई दे रही है इसमें बहुत सारे छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं, और इसमें कुछ अल्फाबेट भी आपको नज़र आ रहे हैं, कुछ न्यूमेरिक डेटा भी दिखाई दे रहे हैं, इनका यूज़ क्या है और ये क्या है वो जानते हैं। देखिए जो आपको वर्टिकली जो अल्फाबेट में दिखाया जा रहे हैं, जो वर्टिकली आ रहे हैं वो हैं आपके इस एक शीट के कॉलम, ये कॉलम है जो वर्टिकली आ रहा है, और जो न्यूमेरिक है वो है जो हॉरिजेंटल जा रहा है वो है आपके रो, ये देखिए ये रो है, यानी कुछ इसमें रोज दी गई हैं, कुछ इसमें कॉलम्स दिए गए हैं, और उसी रो और कॉलम से मिलके बनता है एक सेल, यानी ये एक सेल रिप्रेजेंट कर रहा है एक कॉलम को और एक रो को। यहाँ पे दो चीज आपको और दिखाई जा रही है, ये है एड्रेस बार जिसको हम नेम बॉक्स भी कहते हैं, और इस सेल को यानी जहां भी हम कर्सर रखते हैं वो सेल जो है उसमें दो रिलेटिव दिखाए जाते हैं, एक उसका कॉलम एक उसका रो, तो उसका एड्रेस बनता है F7, पहले कॉलम शो होता है और फिर रो शो होता है जहां भी आप कर्सर रखेंगे। जैसे अभी हमने यहाँ कर्सर रखा J वाले कॉलम पे, तो J और 40 यानी दोनों ही ये सिलेक्टेड है, इसका मतलब ये है कि इस सेल में एक कॉलम और एक रो दिया गया है, तो आंसर बनता है यानी आपका इसका जो एड्रेस बनता है वो है J40। इस तरह से तो एक कॉलम और एक रो से मिलकर बना है आपका एक सेल। अब कितने सेल और कितने रो है वो भी जानते हैं, उससे पहले हम इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं जिसको हम कहते हैं फॉर्मूला बार। जब भी आप कहीं भी अपना सेल पे कर्सर रखते हैं तो सेल का एड्रेस तो नेम बॉक्स में आता है, लेकिन एक सेल में जो भी टाइप किया जाता है, कोई भी वैल्यूज टाइप की जाएगी तो वो दिखेगी आपकी फॉर्मूला बार में। जैसे हम यहाँ पे कोई भी
नाम लिखते हैं, ये हमने नाम लिखा, तो ये आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है इस फॉर्मूला बार में। तो इस तरह से फॉर्मूला बार में आपको उस सेल में जो भी वैल्यूज आप लिखते हैं वो शो करता है यहाँ पे फॉर्मूला बार में। ये देखिए कुछ इस तरह से। तो ये है नेम बॉक्स और ये है फॉर्मूला बार। ये सिर्फ एड्रेस दिखाएगा उस सेल का, लेकिन ये उसमें क्या डेटा ऐड किया हुआ है वो शो करता है। उसके बाद बात करते हैं हम नीचे का जो पोर्शन जो दे रखा है, ये है टास्क बार। टास्क बार या स्टेटस बार हम दोनों ही कह सकते हैं। अपने प्रोग्राम को मिनिमाइज करने के लिए ये ऑप्शन दिया गया है। अगर हम इस प्रोग्राम को मिनिमाइज करना चाहते हैं तो इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो ये मिनिमाइज हो जाएगा, वापस उसी पे क्लिक करेंगे तो मैक्सिमाइज हो जाता है। स्टार्ट का बटन भी आपको यहीं पे दिखाई देता है। उसी के राइट साइड में आपको दिया गया है सिस्टम ट्रे। तो सिस्टम ट्रे में छोटे छोटे जो ऑप्शन, डेट और टाइमिंग और पेज का स्केल कम या ज्यादा करने के लिए जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं वो सिस्टम ट्रे पे रहते हैं। अगर हमें जूम साइज़ की बढ़ानी है तो जूम साइज, यानी हमें यहाँ पे प्लस पे अगर हम क्लिक करते हैं तो ये जूम इन होता है, यानी आप अपने पेज का स्केल बढ़ाना चाह रहे हैं, और जूम आउट करेंगे तो इस माइनस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो ये जूम आउट हो जाता है। तो इस तरीके से हमें अपने पेज का स्केल कम या ज्यादा करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। नॉर्मली तो 100% रहता है। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे एक्सेल की एक शीट में कितने रो और कॉलम होते हैं। यानी अगर हम एक्सेल की एक शीट की बात करते हैं तो एक्सेल की एक शीट में कितने रो हैं। अब हम रो काउंट करना चाहते हैं तो रो काउंट करने के लिए देखिए इसमें एक एक्सेल की शीट में 1,48,576 रो होते हैं, लेकिन हम चेक करना चाहते हैं कि कितने हैं टोटल। तो वन पे क्लिक करके कंट्रोल के साथ डाउन एरो की प्रेस करें, जो सबसे लास्ट वाली रो में हम आ जाते हैं जो करीब 1,48,576 है। एक शीट की अगर हम बात करें तो इतने इसमें रो दी गई होती है। वापस हमें बैक जाना है तो कंट्रोल के साथ अप एरो की करेंगे तो वापस हम बैक आ जाते हैं। उसके बाद अगर इसमें हम कॉलम भी चेक करना चाहें तो कॉलम कितने दिए गए होते हैं, तो ये जो वर्टिकली है ये सारे कॉलम है। कॉलम काउंट करने के लिए हम स्टार्ट पे अपना कर्सर रखते हैं, कंट्रोल के साथ राइट एरो की प्रेस करते हैं, जो करीब 16,384 इसमें कॉलम्स दिए गए होते हैं। अल्फाबेट में है इसलिए न्यूमेरिक में पता नहीं चल रहा, बाकी 16,384 इसमें कॉलम दिए होते हैं। वापस हमें बैक आना है तो कंट्रोल के साथ हम लेफ्ट एरो की प्रेस करेंगे, वापस हम बैक आ जाते हैं। ये तो रो और कॉलम की बात हुई, लेकिन टोटल शीट कितनी होती है। तो एक्सेल में टोटल शीट होती है 256 इसमें शीट्स होती हैं। तो इस तरह से हम अपने एक्सेल में बहुत सारा डेटा फीड कर सकते हैं। एक्सेल में ना तो शीट कम पड़ती है और ना ही एक शीट में रो और कॉलम कम पड़ते हैं, क्योंकि बहुत सारी वैल्यूज इसमें ऐड की जा सकती है। तो ये था हमारा एक्सेल का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन समझना बहुत जरूरी है। जब हम इंट्रोडक्शन समझते हैं तभी हम एक्सेल में आगे काम कर पाएंगे। किसी भी एक टेबल में अगर हमें रो और कॉलम और इंसर्ट करना है तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास एक टेबल ऑलरेडी बनी हुई है। इसमें हमने सीरियल नंबर, नाम, क्लास, मैक्सिमम मार्क्स और 3 सब्जेक्ट ऐड किए हैं। अब इसमें हमें एक्स्ट्रा और भी कॉलम लेने हैं तो हमें यहाँ पे कॉलम इंसर्ट करने के लिए 2 ऑप्शन दिए गए हैं। हम दोनों तरीके से कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। एक ऑप्शन आपको दे रखा है होम टैब में, इंसर्ट में जाकर यहाँ पे आप अगर क्लिक करते हैं तो इंसर्ट शीट रो और इंसर्ट शीट कॉलम दोनों ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आप किस तरह से रो और कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं तो उसके लिए सबसे पहले देखिए, जो टेबल आपके पास बनी हुई है आपको ये पता करना है कि आपको कॉलम किसके पहले चाहिए और किसके बाद में चाहिए। जैसे आप ऐसा नहीं कहीं पर भी क्लिक करके आप कॉलम इंसर्ट कर लें, आपको जहाँ ज़रूरत है आप वहीं इंसर्ट करें। जैसे हमारे पास यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर 3 सब्जेक्ट दिए गए हैं, मैक्सिमम मार्क्स 600 है। इसका मतलब ये है कि 3 कॉलम हमें और ऐड करने हैं, जिसमें हमें मैथ्स का, साइंस का और हिस्ट्री का और कॉलम लेना है उसमें सब्जेक्ट ऐड करने के लिए। तो हमें यहाँ पे देखिए हिंदी, इंग्लिश के बाद में आता है मैथ्स, लेकिन अगर आप कर्सर यहाँ रख कर अगर आप इंसर्ट करते हैं और इंसर्ट कॉलम करेंगे तो अभी इसके
पहले की तरफ, आगे की तरफ, यानी इंग्लिश के आगे एक कॉलम इंसर्ट होगा, लेकिन हमें तो चाहिए इंग्लिश के कॉलम के बाद में एक कॉलम। तो आपको पीछे वाला कॉलम सेलेक्टेड करना है, यानी कंप्यूटर वाला जो कॉलम दिया हुआ है, कर्सर आपका उस रेंज पर होना चाहिए। उसके बाद हम इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट शीट कॉलम करेंगे, तो देखिए इसी के आगे की तरफ एक कॉलम इंसर्ट हो जाता है और उसी फॉर्मेटिंग में आ जाता है जिस फॉर्मेट में हमने बाकी सेल को भी अप्लाई। और अगर हम चाहते हैं कि एक साथ और भी सेल इंसर्ट करने हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे देखिए हमें इसी इसमें हमने डाल दिया जैसे मैक्स, हम यहाँ पे डाल देते हैं मैक्स। लेकिन अब आपको चाहिए कि मैक्स के बाद में साइंस का कॉलम भी लेना है, तो कंप्यूटर वाले कॉलम को ही हम सेलेक्ट करके रखेंगे, इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट शीट कॉलम करेंगे, तो देखिए इसी के आगे एक कॉलम और इंसर्ट हो जाता है। अगर आप मैक्स को सेलेक्ट करते हैं तो आगे की तरफ आ जाएगा, लेकिन अगर हम मैक्स के पीछे लेना चाहते हैं तो लास्ट वाले कॉलम को हमें सेलेक्ट रखना है, तो एक नंबर आगे की तरफ कॉलम इंसर्ट हो जाता है। इसी तरीके से अगर एक कॉलम और इंसर्ट करना है तो इंसर्ट में गए और इंसर्ट शीट कॉलम कर दिए, देखिए एक कॉलम और इंसर्ट हो गया। तो जितने कॉलम हमें बनाने हैं उतने कॉलम हम बना सकते हैं। एक तरीका और होता है किसी भी कॉलम को इंसर्ट करने का, एक तरीका तो हमने यहाँ से देखा इंसर्ट शीट कॉलम से, और एक और तरीका होता है जैसे हमें यहीं पे इसी के आगे एक कॉलम और बनाना है तो राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट के ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे दे रखा है एंटायर कॉलम, कहाँ पे आपको एंटायर करनी है तो एंटायर कॉलम करेंगे सेलेक्ट, ओके कर देंगे, तो देखिए इसके आगे एक कॉलम बन जाता है। तो इस तरीके से हम कॉलम दोनों ही तरह से ले सकते हैं, चाहे तो यहाँ से लें आप होम मेनू में जाके इंसर्ट वाले ऑप्शन में इंसर्ट शीट कॉलम करें, और या फिर आप राइट क्लिक करके माउस का राइट क्लिक प्रेस करके भी इंसर्ट से आप कॉलम इंसर्ट कर सकते। तो देखिए ये तो कॉलम इंसर्ट करना हुआ, इसके बाद हमें रो इंसर्ट करना है। हो सकता है हमें एक नाम एंट्री और करनी है बीच में, तो हमें क्या करना होगा, एक रो बनाना है। तो रो हम कहाँ, जैसे यहाँ पे 15 हमने लास्ट किया हुआ है, आप चाहते हैं कि भव्य से पहले एक एंट्री और बाकी रह गई है, तो जहाँ आपने अपना कर्सर रखा हुआ है अगर आप इससे पहले लेना चाहते हैं तो इंसर्ट में जाके रो वाला ऑप्शन चूज करेंगे तो इस भव्य से पहले आएगी, लेकिन आप चाह रहे हैं कि भव्य के बाद में आए तो उसके नीचे वाली सेल को आपको सेलेक्ट रखना है, क्योंकि जैसा कॉलम में हमने देखा था कि एक नंबर आगे की तरफ कॉलम इंसर्ट होता है, वैसे ही रो भी एक नंबर आगे की तरफ ही इंसर्ट होगा। तो जहां आपको लेना है कर्सर उसके बाद वाले रो पर होना चाहिए, कॉमल से पहले चाहिए, तो कॉमल वाला हमने रो सेलेक्ट किया हुआ है, यानी ये 12 रो जो दिख रही है पूरी सेलेक्टेड है एंड तक। कॉलम और रो हमेशा इस तरह से हॉरिजेंटल दिखाता है और कॉलम वर्टिकली दिखाता है। जहाँ पे आपको न्यूमेरिक डेटा दिखाए जा रहे हैं वो हैं आपके रो, और जहाँ पे अल्फ़ाबेट हैं वो हैं वर्टिकली, यानी आपके कॉलम हैं। तो हमें अभी रो इंसर्ट करनी है, तो जैसे हमें कोमल के ऊपर करनी है तो हमें सेलेक्ट करना है कोमल को, यानी कोमल वाले रो को, और वही तरीका जैसा हमने कॉलम इंसर्ट किया वैसे ही होम टैब में इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट शीट रो करेंगे, तो देखिए इसी के ऊपर एक रो इंसर्ट हो जाती है। आप ये चाहते हैं कि कोमल के बाद में लेना है तो शिखा वाला रो जो है उसको सेलेक्ट रखना है, यानी कर्सर आपका शिखा वाले सेल पर होना चाहिए, और इंसर्ट में जाकर इंसर्ट शीट रो करेंगे, देखिए यहाँ पे रो इंसर्ट हो जाती है। और अगर आप दूसरा तरीका भी यूज़ करना चाहें, जैसा हमने कॉलम इंसर्ट किया था वैसा ही हम रो भी इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे हमें छाया से पहले लेना है एक रो, तो राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट में जाएंगे, एंटायर रो करेंगे और ओके कर देंगे, देखिए छाया से पहले एक रो और इंसर्ट हो जाती है।
तो आपको कुछ स्टूडेंट्स के नाम अगर लिखने बाकी रह गए हैं और आप अगर लिखना चाहते हैं, या कोई भी टेबल ऐसी बनी हुई है जिसमें आपके पास रो और कॉलम कम पड़ जाते हैं, तो आप इंसर्ट में जाके और रो या कॉलम बढ़ा सकते हैं। रो और कॉलम को कैसे डिलीट किया जाए? देखिए, कई बार होता है कि हमारे पास किसी टेबल में एक्स्ट्रा रो कॉलम इंसर्ट हो जाते हैं, अब हमें उनको हटाना है, डिलीट करना है, तो उसके लिए दो तरीके हैं एक्सेल में। तो उसके लिए सबसे पहले इंसर्ट में होम मेनू में ये डिलीट का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर हम डिलीट का ऑप्शन ओपन करते हैं तो इसमें डिलीट सेल, डिलीट शीट रो, डिलीट शीट कॉलम और डिलीट शीट दिया हुआ है। तो अगर हमें रो और कॉलम को डिलीट करना है तो इन ऑप्शन से कर सकते हैं, लेकिन कौन सा रो और कॉलम हमें डिलीट करना है, सबसे पहले हमारा कर्सर उसी पोजीशन पे होना चाहिए। जैसे हमारे पास ये तीन कॉलम एक्स्ट्रा दिए गए हैं, तो अगर हमें कॉलम को डिलीट करना है, इस कॉलम को डिलीट करना है, तो कॉलम यहाँ पे अपना कर्सर होना चाहिए, इसी कॉलम पे अपना कर्सर रहेगा और डिलीट ऑप्शन में जाएंगे, डिलीट शीट कॉलम कर देंगे, तो देखिए वो कॉलम वहाँ से डिलीट हो जाता है। दूसरा तरीका है, अगर हम चाहते हैं कि ये कॉलम भी डिलीट हो, तो एक दूसरा तरीका और रहता है डिलीट करने का। राइट क्लिक करेंगे और इसी में डिलीट का ऑप्शन दिया है, डिलीट यहाँ पे दे रखा है, डिलीट रो इंटायर कॉलम। अगर हमें रो करना है तो ये टू वाला जो है वो रो सेलेक्टेड है, और अगर हमें कॉलम डिलीट करना है तो इंटायर कॉलम यानी आई सेलेक्टेड है। तो अगर आप अगर रो करेंगे तो ये रो डिलीट हो जाएगा, यानी ये सीरियल नंबर, नेम, क्लास, मैक्सिमम नंबर जो दे रखे हैं, ये वाला रो डिलीट हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि कॉलम डिलीट करना, तो ये आई वाला जो कॉलम है, जो अभी बिल्कुल ब्लैंक है, उसे हम डिलीट करना चाहते हैं, तो उसको हम डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने इंटायर कॉलम किया और डिलीट कर दिया। तो देखिए, ये दोनों ही तरीके से हम डिलीट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि दो कॉलम हम एक साथ डिलीट करें, तो दोनों कॉलम को एक साथ सेलेक्ट करके हम डिलीट कर सकते हैं, चाहे तो डिलीट यहाँ से करें या फिर राइट क्लिक करके हम डिलीट कर सकते हैं। ये डिलीट शीट कॉलम किया, ये दोनों ही कॉलम एक साथ डिलीट हो जाते हैं। जिस तरह से हमने कॉलम को डिलीट किया, उसी तरीके से हम रो को भी डिलीट कर सकते हैं। रो जो हॉरिजेंटल है वो रो है, यानी ये 12, ये 12 जो दे रखा है ये पूरा सेलेक्टेड है। अगर आप इस रो को, एक्स्ट्रा रो है, अगर हम डिलीट करना चाहते हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो कर्सर आप कहीं पे भी रखें, ये पूरा रो जो है वो सेलेक्टेड रहता है। तो आपको डिलीट करने के लिए वही होम मेनू में आपको यहाँ पे डिलीट में जाना है और डिलीट को ओपन करेंगे और डिलीट शीट रो कर देंगे। तो इस तरह से वो रो डिलीट हो जाती है और दूसरा डेटा जो है वहीं पे अरेंज हो जाता है 12 रो पर। इसी तरीके से हमें और भी अगर डिलीट करना है, जो दूसरा तरीका है रो को डिलीट करने का, वो है राइट क्लिक करके हम डिलीट प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है इंटायर रो, तो इंटायर रो करेंगे और ये रो डिलीट हो जाती है। तो इस तरीके से अगर हमें रो और कॉलम को डिलीट करना है, तो आपको एक्सेल में दोनों ही ऑप्शन से आप उसको डिलीट कर सकते हैं। अगर आप एक साथ करना चाहते हैं तो एक साथ आप रो और कॉलम को सेलेक्ट करके भी, चाहे तो राइट क्लिक करके करें, चाहे इस ऑप्शन से आप कॉलम या रो दोनों में से कोई भी आप डिलीट कर सकते हैं।